तो डीसी यूनिवर्स में अगर किसी सुपर पावर पर सबसे ज़्यादा फोकस होता है तो वो है स्ट्रेंथ और स्पीड। स्ट्रेंथ की बात हम कभी दूसरे दिन करेंगे, लेकिन आज हम कंपेयर करने वाले हैं ऐसे दो स्पीडस्टर को जो फ्लैश से ज़्यादा फास्ट है। तो स्वागत है दोस्तों आपका और एक डिटेल वीडियो में। और आज हम गॉड स्पीड और ब्लैक रेसर के बीच करने वाले हैं एक सुपर बैटल। तो गॉड स्पीड एक पुलिसकॉप डिटेक्टिव बैरी एलन का दोस्त और एक लोरा एक लौता एक ऐसा दोस्त जिसने बैरी को फ्लैश बनते हुए देखा था। लेकिन एक दिन ऑगस्ट के ऊपर स्पीड फोर्स की लाइटनिंग स्ट्राइक हो जाती है। स्पीड फोर्स एक ऐसी कॉस्मिक फोर्स है जो ह्यूमंस को स्पीडस्टर तो बनाती है, लेकिन साथ में टाइम और स्पेस को आगे पुश करती है। लेकिन स्पीड फोर्स की वजह से ऑगस्ट को फ्लैश की तरह तेज भागने की और मूव करने की एबिलिटी मिल जाती है। हालांकि ऑगस्ट को अपने पावर्स कंट्रोल नहीं हो रही थी, इसलिए फ्लैश ऑगस्ट को ट्रेनिंग देता है। लेकिन एक दिन फ्लैश को पता चलता है कि सिटी में जितने स्पीडस्टर थे उन्हें कोई मार रहा था। और जब वो किलर बैरी एलन की लव इंटरेस्ट यानी मीना को मार देता है, तब बैरी एलन यानी हमारे फ्लैश को पता चल जाता है कि ऑगस्ट ही गॉड स्पीड है। अगर बात करें गॉड स्पीड के पावर्स की, तो गॉड स्पीड एक स्पीडस्टर है और वो तेज भाग सकता है फ्लैश की तरह बस। अबे साले तब तो गॉड स्पीड एक मेटा ह्यूमन है जो दूसरे स्पीडस्टर की स्पीड फोर्स चुराता था, जिसकी वजह से वो खुद और ज्यादा फास्ट बन जाता था। इतना फास्ट कि गॉड स्पीड एक ही टाइम पर दो अलग अलग जगहों पर रह सकता था, लेकिन सिर्फ एक लिमिटेड टाइम तक। गॉड स्पीड किसी भी चीज के आर पार जा सकता है और खुद को बहुत जल्दी हील कर सकता है और अपने हाथों से टोर्नेडो भी बना सकता है। गॉड स्पीड स्पेस और टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है और गॉड स्पीड इलेक्ट्रिक करंट और एनर्जीज को अपने स्पीड से कंट्रोल कर सकता है। अब बात करते हैं ब्लैक रेसर की। तो ब्लैक रेसर एक मैनिफेस्टेशन ऑफ डेथ है जो स्पीडस्टर के साथ गॉड्स के सोल को भी कैप्चर कर सकता है। हालांकि डार्क साइड ने काफ़ी साल पहले ब्लैक रेसर को अपने वेपन के तौर पर यूज़ किया था। अगर बात करें ब्लैक रेसर के पावर्स की, तो ब्लैक रेसर के पास है कॉस्मिक स्कीज जो ब्लैक रेसर को मदद करती है लाइट स्पीड से ट्रैवल करने के लिए। ब्लैक रेसर के पास लगभग सारी पावर्स है और सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन ब्लैक रेसर एक इमोर्टल बींग है जिसे मारा नहीं जा सकता। अब बेशक कॉमिक्स में ब्लैक रेसर मर चुका है, लेकिन वो फिर से जिंदा भी हो गया था। लेकिन ब्लैक रेसर ने एक बार डार्क साइड को काफ़ी इजीली मार दिया था, इतना इजीली कि वो डार्क साइड के सीधा पेट में घुस गया था। लेकिन ब्लैक रेसर की एक पावर सबसे खतरनाक है और वो है डेथ टच। बेसिकली इस पावर का यूज़ करके ब्लैक रेसर एक टच में किसी भी मॉर्टल मेटा ह्यूमन स्पीडस्टर या गॉड्स को मार सकता है। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि इस बैटल का विनर कौन बनेगा। तो बेसिकली इस बैटल का विनर है ब्लैक रेसर, क्योंकि ब्लैक रेसर को डीसी कॉमिक्स का यमराज माना जाता है, जबकि गॉड स्पीड एक स्पीडस्टर है जिसे ब्लैक रेसर आराम से बीट कर सकता है। क्योंकि अगर ब्लैक रेसर ने गॉड स्पीड को एक बार भी टच कर दिया तो बस गॉड स्पीड का खेल वही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन एक ट्रिक से गॉड स्पीड ब्लैक रेसर के अगेंस्ट जीत सकता है, और वो है कि गॉड स्पीड ऐसी जगह पर चला जाए जहाँ टाइम एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि जहाँ पर टाइम एग्जिस्ट नहीं करता वहाँ डेथ का भी कोई काम नहीं है। और ऐसी जगह पर ब्लैक रेसर चाहकर भी गॉड स्पीड को टाइमलेस वर्ल्ड में नहीं मार सकता। लेकिन मुझे नहीं लगता कि गॉड स्पीड को ऐसी किसी जगह के बारे में पता होगा, इसलिए आज के बैटल का विनर है ब्लैक रेसर। लेकिन अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको इन दोनों में से कौन सा कैरेक्टर सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे ही डिटेल वीडियो देखने के लिए। तो फिलहाल के इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक गुड बाय।